हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतु और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चटनी की रेसिपी, और एक ऐसी चटनी जो बिल्कुल नई है, चटपटी है, बहुत ही यूनिक है, लेकिन ऐसी है जो आप किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। जैसे कि आप चावल के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ, या कोई भी फ्राइड चीज़ें जैसे कि समोसा, लिट्टी, ब्रेड पकौड़ा या कोई भी ब्रेड रोल, किसी भी फ्राइड चीज के साथ आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं। ये बहुत चटपटी और यमी बनती है। तो चलिए, यही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने ली है सबसे पहले आधा किलो जिमीकंद। अगर आप जिमीकंद नहीं कहते हैं तो हमारे यहाँ आम भाषा में इसे ओल भी कही जाती है और इंग्लिश में इसे याम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये जिमीकंद है और इसे मैंने धो ली है। आधा किलो मैंने ली है जिमीकंद यानी कि 500 ग्राम, और धोकर इसे पतली पतली स्लाइस में मैंने कट कर ली है। कुकर में ले रही हूँ मैं लगभग 1.5 गिलास पानी और इसमें कटी हुई जिमीकंद को डाल दूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालना ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हल्दी पाउडर डालने से क्या होता है कि कलर अच्छी आती है। अगर आप हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे तो आपकी जिमीकंद काली पड़ जाती है। जब हम इसे बॉयल करते हैं तो ये काली पड़ जाती है। अब इसे मैं लेट लगाकर 3 से 4 सीटी दिला दूंगी। देखिए, मैंने इसे 3 से 4 सीटी दिला दी है और इसे एक बार टच करके मैं देख लेती हूँ कि अच्छी तरह से ये कुक हुई है कि नहीं। देखिए, इजीली टूट रही है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अब इसकी पानी को ड्रेन कर लूँगी, और मैंने पानी को ड्रेन कर ली है और सारी जो जिमीकंद है हमारी उसे निकाल ली है। अब एक इस तरह से लीजिए लकड़ी की स्पैचुला या फिर कोई मैसर ले लीजिए, जिससे हमें इसे क्रश करना है या मैश करनी है। और इस प्रोसेस को आप गर्म गर्म में ही करें। जब हमारी जिमीकंद गर्म रहती है उसी टाइम आप इसे क्रश कर लें। अगर आप तुरंत नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर ली है और इसे अब मैं एक मिक्सी जार में डाल लूँगी और ऊपर से डाल लूँगी थोड़ी सी पानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैंने थोड़ी सी पानी डाल दी है और अब लिड लगाकर इसे ब्लेंड कर लूँगी। हमारी जो जिमीकंद है वो ब्लेंड हो चुकी है, इसे मैं उसी बाउल में निकाल लूँगी। सारी जिमीकंद को मैंने इसी तरह से ब्लेंड कर ली है और अब जार में थोड़ी सी चटनी बची हुई है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके निकाल लूँगी और इस पानी को भी इसी में ऐड कर दूँगी। क्योंकि हमारी जो जिमीकंद है बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो थोड़ी सी एक जैसी हो जाएगी, जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उस तरह की ये हो जाएगी। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको कितनी लिक्विडी चाहिए या थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कीजिए, जैसे कि मैंने की है। देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना भी आप पसंद करते हैं, लेकिन चटनी है तो थोड़ी सी चटपटी होनी चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि ये खट्टी बनेगी तो मिर्च पता नहीं चलेगी। तो इसलिए आप भी मिर्च में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हमें चटनी को बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनानी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अचार के मसाले। मैं इसमें डाल रही हूँ 3 स्पून अचार के मसाले। ये आम के अचार का मसाला है, आपके पास अगर किसी और अचार के मसाले हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू। अभी मैं फिलहाल इसमें एक ही नींबू डालूंगी, क्योंकि जब ये नींबू डालने के बाद मैं इसे मिक्स करूंगी और उसके बाद इसे टेस्ट करूंगी। टेस्ट करने के बाद अगर कमियां ज़्यादा लगेगी तो फिर मैं इसमें और एक नींबू ऐड करूंगी। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से इसे सबको एक साथ मिक्स कर लीजिए। जिमीकंद जो होती है वो अरबी की ही एक वैरायटी है।
बिल्कुल अरबी की तरह ये टेस्ट करती है और बहुत यमी लगती है खाने में। बहुत ही वर्सटाइल है, बहुत टेस्टी बनती है। इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी धनिया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। एक बार इसे टेस्ट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए नमक और नींबू कितनी है। मैंने टेस्ट कर ली है और मुझे नींबू थोड़ी सी कम लगी, इसलिए मैं इसमें एक नींबू और ऐड कर रही हूँ। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं, या 1 वीक भी ये आराम से चल जाती है, खराब नहीं होगी अगर आप इसे फ्रिज में अच्छी तरह से स्टोर करते हैं तो। और बहुत ही यमी लगती है, किसी भी चीज़ के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। इसमें मैं डाल दी हूँ 1/2 टीस्पून काला नमक। काला नमक से इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप अचार के मसाले इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मल सरसों का तेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सरसों का तेल ऐड नहीं की है क्योंकि अचार के मसाले में बहुत सारी ऑयल थी। थोड़ी सी हरी धनिया से मैंने इसकी गार्निश कर दी है। हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। मैंने इसे सर्व कर दी है और लग रही है नहीं बहुत टेस्टी? आपको ये चटनी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। Thanks for watching my video. Bye-bye.